देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन किसी न किसी राज्य में कोरोना का भीषण प्रकोप देखने को मिलता आ रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण सोनारपुर नगर पालिका क्षेत्र में 3 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन के नियमों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ दवा, दूध, राशन और बिजली के सामान बेचने वाली दुकानों को ही खुले रहने की अनुमति दी गई है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए यहां 3 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को ही काम करने की इजाज़त दी गई है। सोनारपुर में अब तक 19 कंटेनमेंट जोन घोषित हुए हैं। सोनारपुर राजधानी कोलकाता से सटे करीब 20 किलोमीटर की दूर पर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बंगाल सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें दुर्गा पूजा के बाद राज्य में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर चिंता जताई गई है। पत्र में ICMR ने बताया है कि दुर्गा पूजा के बाद से कोलकाता में कोविड केस में करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटे में कोलकाता में 248 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 6 लोगों की मौत हुई है। केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोरोना के मामलों और मौतों को लेकर तुरंत समीक्षा करने को कहा है। त्योहारों के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सचिव को 22 अक्टूबर को पत्र जारी कर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि राज्य में पिछले 30 दिनों के दौरान संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं। इस दौरान 343 मरीजों की मौत हुई है, जो कि इस अवधि में भारत में सामने आए नए मामलों का आंकड़ा 3.4% है, जबकि मौतों का आंकड़ा 4.7% है। ब्यूरो रिपोर्ट, हालाते बंगाल, न्यूज टैग इंडिया।